अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मेरा नाम आदिल शरीफ है, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन जीएचएमसी, एफिलिएटेड विद आईएनटीयूसी। आज पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज बेचैन है, क्योंकि 17/2018 से आज तक पीआरसी का बकाया है और डियरनेस अलाउंसेस नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर साहब का वादा था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करेंगे, वो आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और पीआरसी देंगे बोल के बस झूठे बातें करे, दिवाली में देंगे बोले, दशहरे में देंगे बोले, और आपके तेलंगाना फॉर्मेशन डे को देंगे बोले। पिछले दो साल से पीआरसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के परमानेंट एम्प्लॉयज बेचैन है। कई लोगों ने लोन लेकर रखा हुआ है कि अगर पीआरसी आएंगे तो लोन अदा करेंगे बोल के, लेकिन पीआरसी नहीं आने से बहुत सारे जीएचएमसी के एम्प्लॉयज तकलीफ में है। आज जो कोई भी चैलेंजेस आते हैं या कोई टारगेट आता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन का काम हो, चाहे जो कोई काम हो, जीएचएमसी एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा आगे बढ़ के पर पब्लिक की सर्विस करते हैं। लेकिन ये पब्लिक की सर्विस करने वालों को, ये एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने नेग्लेक्ट किया है। और पीआरसी पेंडिंग रखने का क्या वजह है? अगर आप पीआरसी नहीं दे सकते थे, आपको चाहिए था कि इमीडिएटली इंट्रीम रिलीफ देना चाहिए था, इंट्रीम रिलीफ भी नहीं दिए। तो ये जीएचएमसी एम्प्लॉयज आज यहीं पर ही नहीं, और कई सारे मसाइल पेंडिंग है, प्रमोशन के इश्यूज है, ट्रांसफर के इश्यूज है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयज आते हैं, अप्रैल 2004 के बाद जो अपॉइंटमेंट हुआ है, वो एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन स्कीम में रेस्टोर करने के लिए आईएनटीयूसी यूनियन की डिमांड है साथियों। और जो प्रमोशन पेंडिंग है वो प्रमोशन इमीडिएट देना चाहिए,
जीएचएमसी में 5000 से ज्यादा जो पोस्ट है वो पोस्ट वेकेंट है, वो पोस्ट का जो सैंक्शन पोस्ट है उसका पैसा जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कई सारे मेडिकल ऑफिसर का करप्शन है, कई सारे ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है और करप्शन है। ये करप्शन को दूर करने के लिए हम मुहिम चलाएंगे, हम सर्कल वाइज, वार्ड वाइज और जीएचएमसी के जोनल वाइज पे धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ के यूनियन जो दूसरे यूनियन है किसी ने भी एम्प्लॉयज के लिए पीआरसी की डिमांड नहीं उठाया है, पीआरसी के लिए कोई लेटर नहीं लिखा है। आज आईएनटीयूसी यूनियन, आज कोई हुकूमत से डरने वाली यूनियन नहीं है ये, चाहे कोई यूनियन रहो हम जीएचएमसी एम्प्लॉयज के डिमांड को उठाएंगे और रिजोल्व कराएंगे। आज हम चेतावनी देना चाहते हैं मैनेजमेंट जीएचएमसी को, अगर इमीडिएटली पीआरसी रिलीज करने के लिए अगर लेटर गवर्नमेंट को नहीं लिखा जाएगा तो हम वी विल अगेन इन्वॉल्व ऑल दी सैनिटरी वर्कर, एंटोमोलॉजी वर्कर एंड वील स्टॉप दी वर्क इन एंटायर जीएचएमसी एरिया एंड वी आर डिमांडिंग दैट इमीडिएटली रिलीज दी पीआरसी टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज।